नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे अगर हमारे सिस्टम में वाईफाई की प्रॉब्लम आ रही है। वाईफाई देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नो कनेक्शन आर अवेलेबल, इस तरह का मैसेज आ रहा है, या फिर वाईफाई कनेक्शन जो है वो शो नहीं हो रहे हैं। तो इस सभी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में, यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको तीन ऐसे मेथड बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इनमें से नंबर वन मेथड है, उसके लिए हमें CMD को ओपन करना है। तो CMD कमांड को ओपन करेंगे, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ CMD। तो यहाँ पर देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाती है, राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस। इसके बाद ही इस तरह का कमांड ओपन हो जाती है। अब हमें यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट को लिखना है। तो दोस्तों ये जो कमांड है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। तो हमारी कमांड है netsh space INT space IP space reset। दोस्तों हमारी फर्स्ट कमांड है ये, इसको टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह की रिसेटिंग होगी। तो उसके बाद हमें अगली कमांड को यहाँ पर टाइप करना है, जो कि है netsh space winsock space reset। और इसके बाद हमें एंटर प्रेस कर देना है इतने टाइप करने के बाद। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली रिसेट द विनसॉक कैटलॉग रिसेट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, एग्जिट कर देना है EXIT और यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है। इस पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर रिस्टार्ट कर लेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी। अगर इसके बाद भी आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो चलिए हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है सर्विसेज, क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर सर्विसेज पेज ओपन हो चुकी है और यहाँ पर अब हमें टाइप करना है, सर्च करना है WLAN ऑटो कॉन्फ़िग शो हो गया है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए स्टॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो स्टॉप पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम स्टॉप पर क्लिक करेंगे तो ये सर्विस स्टॉप हो चुकी है। इसके बाद फिर से हमें स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, कुछ टाइम का हमें वेट करना, 4 से 5 सेकंड, और उसके बाद फिर से हम स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये सर्विस स्टार्ट होगी तो आपके में वाईफाई शो हो जाएगा, लेकिन हमारे में भी वाईफाई शो नहीं हो रहा है। तो इसे कंप्लीट करने के बाद आपको अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। तो जैसे रिस्टार्ट होगा तो आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी, वाईफाई सिग्नल आने लग जाएंगे, वाईफाई आइकन सो जाएगा। लेकिन हमारे में अभी भी वाईफाई आइकन नहीं आ रहा है, तो हम थर्ड मेथड को फॉलो करेंगे। तो कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, CP टाइप करेंगे या कंट्रोल पैनल ओपन। उसके बाद हम जाएंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे और हम जाएंगे सीधे चेंज अडॉप्टर सेटिंग में। और यहाँ पर आकर जो हमारे कनेक्शन है वो यहाँ पर शो हो जाते हैं, देखिए इथरनेट का और वाईफाई का। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे में डिसेबल है, आपके में हो सकता है इस तरह का डिसेबल होगा। तो आप क्या करना है, इनको इनेबल करना है। तो राइट क्लिक करेंगे और इनेबल कर देंगे। जैसे हम इसको इनेबल करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, और इनेबल होते ही देखिए इसका जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसी तरह से हम वाईफाई जो हमारा डिसेबल है उसको इनेबल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इनेबल कर देंगे। जैसे हम इनेबल करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, ये कलरफुल हो जाएगा, देखिए इस तरह का शो हो जाएगा। और अब आप चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए वाईफाई आइकन आ चुका है और सिग्नल आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों अगर आपके में यहाँ पर ये इनेबल है और तब भी आप वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो अपना वाईफाई है उसको राइट क्लिक करके एक बार डिसेबल कीजिए इस तरह से, और डिसेबल करने के बाद कुछ सेकंड वेट कीजिए, 4 से 5 सेकंड, और इसको फिर राइट क्लिक करके इनेबल कर दीजिए। जैसे आप इनेबल करेंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो यहाँ पर सॉल्व हो जाए, वाईफाई आइकन आ जाएगा और आप कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये थे तीन ऐसे मेथड जिनका आप सही से यूज़ करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।